मेरे 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 क्या है यार, मैं महरा हूँ, बहरा नहीं हूँ। लेटेस्ट खबर क्या है? लेटेस्ट ये कि तुम्हारे बंगले के पीछे दो पकड़े गए। दो पकड़े गए क्या? क्या नहीं, कौन? हाँ, कौन? दो नार नवेली दुल्हनियों को लेकर भाग रहे थे। ओ, यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जा रहे थे? नहीं ले जा पाए। क्यों? चौकीदार ने देख लिया। इसका मतलब बड़ा गैंग है। इससे भी बड़ा है, काफी लंबा कनेक्शन है। तुम कहो तो बोरकर से बात करके देखो, दो मवालियों की जब पिटाई होगी तो सुब्बू का पता चल जाएगा। हाँ, नहीं यार, वो नहीं यार, मसरानी तो समझ नहीं रहा। एक बार पुलिस के चक्कर में पड़ गए ना तो फिर चक्कर पे चक्कर खाते रहेंगे यार, एकम्प्लिस बन जाएंगे। कौन सा? ये मोटा वाला, दूसरा डॉक्टर है, सिर्फ सूप पीता है। यस सर। शकल से आप पढ़े लिखे नजर आते हैं। ओ सर, शकल पे मत जाइए, दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरों ने। शराब पढ़े लिखे होके पुलिस को गुमराह करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? सर, मैंने क्या किया सर? आपने इस हवलदार से कहा कि मलायतु सुब्रमण्यम नमुद्रपाद यहाँ नहीं रहता है। कौन बार आके गया, मैं यही बोला। ये इंस्पेक्टर क्या? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर बोरकर मेरे दोस्त। अच्छा, आई एम सॉरी, आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हवलदार, इस डॉक्टर का जरा नाम और पता ले लेना। हाँ। ये बोरकर का दोस्त है, मंजे समझा? नहीं, दोस्त का मतलब आप समझे नहीं, वो मेरे पेशेंट है, बीमार, बहुत बीमार। मेरा मैं चलता हूँ। यार कैसा दोस्त है, कैसा बंदा है? दोस्त को मुसीबत में छोड़ के जाता है। हम पंजाबियों को देख, सुख में भी साथ देते हैं और मरने के बाद भी साथ देते हैं। मैं पंजाबी नहीं हूँ मेरा। मेरी कास्ट में कोई किसी के साथ नहीं मरता, सब अलग अलग मरते हैं, इंडिविजुअल डेथ। एक्सक्यूज मी, मुझे विटनेस भी चाहिए। मैंने कुछ नहीं देखा जी, वो चौकीदार ने देखा, मैं कुछ नहीं देखा। हाँ तो मिस्टर मेहरा। यस सर। आपने इस हवलदार से कहा कि मलायतु सुब्रमण्यम नमुद्रपाद यहाँ नहीं रहते? यस सर। तुम जानते हो, गलत इन्फॉर्मेशन देने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूँ। मिस्टर सुब्रमण्यम के राशन कार्ड पर, विजिटिंग कार्ड पर, ड्राइविंग लाइसेंस पर और पता नहीं कौन कौन से कार्ड पर यहाँ का नाम और पता लिखा है, और तुम कहते हो कि वो यहाँ नहीं रहता। यार मसानी, लगता है ये सुब्बू ने मुझे फंसाने का पूरा प्लान बना लिया। ये साजिश है सर, ये किसी का प्लान है, किसी की चाल है सर। बड़ा ही बच्चलन आदमी होगा, मैं सच कहता हूँ। आप यकीन नहीं तो पूछ लीजिए। वो यार यहाँ मलायतु सुब्रमण्यम नमुद्रपाद नहीं रहता ना। कौन? सुब्बू जी, वो यहाँ नहीं रहते। देखा, वो केरला गए हुए, वो हमारे दामाद है ना। दामाद? ओ सर, वो सुबू यानी, हाँ वो सुबू यार, वो सुभाष सिंह यार, सुभाष सिंह, जरनैल सिंह, वो मेरा दामाद। ठीक है, आप नहीं मानते तो यही सही, लेकिन नुकसान आप ही का होगा। हम चलते हैं। चलो हवलदार। कितना कहा? वो कैसे? मिस्टर सुब्रमण्यम उर्फ सुबू उर्फ आपका दामाद, उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा, उसका पासपोर्ट अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक मिनट सर जी, एक मिनट, आप ये पासपोर्ट के लिए इंक्वायरी करने आए थे? तुम्हें पता नहीं कि पुलिस इंक्वायरी जरूरी है? ओ सर रुक जाइए सर, मैं सच बोलता हूँ सर, हमारा वो मलयतु सुब्रमण्यम नमुद्रपाद यही रहता है, मेरा दामाद सर, मेरा यकीन कैसे समझाऊं? हाँ सर, देखिए ये टेबल कुर्सी आप देख रहे हैं ना, इसी पे बैठ के वो खाना खाता है, और इस सोफा पे बैठ के वो नाश्ता करता है, उस कुर्सी पे बैठ के सर पेपर पढ़ता है, और सर इसी छाती पर बैठ के मूंग दलता है सर। आप उसका पासपोर्ट बना लीजिए सर। अब आए ना सीधे रास्ते पर? यस सर, मैं आ गया रास्ते पर, दोनों के बीच में। पता नहीं हिंदुस्तान में ससुर अपने दामाद से जलते क्यों हैं? वो ऐसा ही जैना साहब, मेरा ससुर भी, मैं आपको बोलता हूँ एक बार। चलो विटनेस के तौर पे साइन करो। मिस्टर मेहरा। यस इंस्पेक्टर। आप साइन कीजिए जी। इते नाक्त्रे मोरा नहीं जी, मेहरा। आप तो बोरकर के दोस्त हैं ना जी? चलेगा, आप भी विटनेस के तौर पे यहाँ साइन कीजिए। जी, बस हाँ। जी वो मेरे पेशेंट है। ठीक है, मसा। थैंक यू मिस्टर मेहरा। थैंक यू सर। थैंक यू।